आजमगढ़ में राशन वितरण की समस्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। रोजाना किसी न किसी ब्लॉक तहसील के ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करते जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। वहीं आज आजमगढ़ खाद्य एवं रसद आयुक्त कार्यालय पहुंचे आजमगढ़ लालगंज स्थित चंद्रभानपुर ब्लॉक के ग्रामीणों ने अपने कोटेदार के ऊपर कई आरोप लगाए। ग्रामीणों ने बताया कि हमारा कोटेदार मनबल दबंग व्यक्ति है और हमसे जबरन अंगूठा लगाकर 3 महीने से राशन नहीं दे रहा है। 3 महीने से लगातार राशन न मिलने के कारण ग्रामीण काफी परेशान है। परेशान ग्रामीणों ने यह भी बताया कि हमारे कोटेदार राजदेव मिश्रा काफी प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिए इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। थक हार कर आज ग्रामीणों ने आखिरकार आयुक्त से शिकायत की। अब देखना यह है कि आयुक्त इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। राशन नहीं देते हैं कुछ लोग? जी नहीं, किसी को नहीं दिए हैं सर। जितने लोग आए हैं कि सर, जो कि इतने लोग को भी जो कि नहीं दिए हैं, और प्लस जो कि गांव में भी जो कि अभी लोग पड़े हुए हैं, और ये सर जो कि 3 महीने हो गया सर। पात्र लोग हैं जिनको नहीं दे रहे? जी पात्र लोग हैं। क्या करते हैं सर? जो कि घर पर जो कि खेती बाड़ी करते हैं, उनके पास कुछ मजदूरी करते हैं सर। वो सर कहते हैं, उधर कहते हैं कि हम जो कि राशन जो कि नहीं देंगे, आप लोग को जो जो करना है करिए, हमको जो कि जनता ने कहा है खाने के लिए हम खाएंगे। पैसा हम अधिकारियों को देते हैं। कमिश्नर साहब क्या कहेंगे आपसे? कमिश्नर साहब कहे हैं कि हम उनके जो कि 1 सप्ताह में जो कि जाँच कराएंगे सर। टीम तैयार कर सर, वो कहते हैं हम लोग अब नहीं जा रहे हैं ना, जब इन्हें इस बार जो कि हम लोग जो कि अंगूठा लगाने नहीं गए, कि जो कि जब बार बार जो कोई अंगूठा लगवा रहे कि राशन नहीं देते हैं, इसलिए जो कि हम लोग कहे जो कि अंगूठा जो कि नहीं लगाएंगे इस जनवरी के, जो कि हम लोग अंगूठा जो कि नहीं लगाए। 3 महीने से अंगूठा लगवा रहा, राशन किसी को नहीं दे रहा सर। सर अभी कुछ ग्रामीण आए थे चंद्रभानपुर से, क्या मामला? उनकी शिकायत है कि उनको नवंबर दिसंबर जनवरी में खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ, उनका अंगूठा मशीन पर लगवा लिया गया, उनको मिट्टी तेल भी नवंबर में नहीं दिया गया, और उसी मिट्टी तेल के बहाने ही उनका अंगूठा लगवा लिया गया था, जैसी उनकी शिकायत है उसमें लिखा भी था। तो उसकी जाँच जो है, हम टीम गठित कर, जो शिकायतकर्ता आए थे उसमें हम पूर्तरीक्षकों की टीम गठित करके उसकी जाँच करवा रहे हैं। 1 सप्ताह में आख्या वांछित है, आज ही पत्र जो है उनको चला जाएगा टीम को, और वो उसकी जांच करेंगे। जांच में अगर दोषी पाते हैं तो सब क्या कार्रवाई की? कार्रवाई होगी नियमानुसार, जो भी जिस तरह का जांच में तथ्य मिलेगा उस तरह से उनके विरुद्ध कार्रवाई में सभी तरह की कार्रवाई है, वैधानिक भी है, दंडात्मक कार्रवाई श्रेणी में आता है, निलंबन, निरस्तीकरण, FIR, सब कार्रवाई होगी। सर लगातार कोटेदार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं DM कार्यालय, आप क्या मामला सर आखिर इस तरह? भाई अगर शिकायत पब्लिक की आ रही है तो उसकी जांच हो रही है, जांच में कार्रवाई भी हो रही है। कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर भी इसमें निलंबित उसमें सम्मिलित है? नहीं, इंस्पेक्टर तो जांच अधिकारी है, तो उसमें कैसे सम्मिलित होगा? अंगूठा लगवाने की और मशीन चलाने की जिम्मेदारी तो उसकी है। हाँ, पूर्तरीक्षक को शिकायत मिलती है तो उसकी तत्काल जांच करें, जो उसमें समस्या आ रही है उसके संबंध में उच्च स्तर पर सूचित भी करें, क्योंकि अब ई पास मशीनों से वितरण हो रहा है, ई पास मशीनों के संचालन के लिए ब्लॉक इंजीनियर